बिटवा ओ बिटवा हैप्पी न्यू ईयर ग्रैनी हैप्पी न्यू ईयर ग्रैंडपा हैप्पी न्यू ईयर बिटवा हैप्पी न्यू ईयर बाबू हैप्पी न्यू ईयर जाना हैप्पी न्यू ईयर बिटवा नए साल में हम कुछ रेजोल्यूशन लेंगे तो बताओ तुम दोनों का 2023 का क्या रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन हाँ मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है कि मैं आप दोनों को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा आप लोगों की सारी बातें मानूंगा सिवाय कुछ चीजों के क्या बोला नहीं कुछ नहीं बाबू अब तुम्हारी बारी है बताओ तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन है जाना मैं घट टाइम पर आया करूंगा और जिम जाकर मस्त बॉडी शॉडी बनाऊंगा बॉडी शॉडी यस बाबू यू कैन डू दिस और ग्रैनी आप बिटवा मैं अपने खर्चे पे कंट्रोल करूंगी और शॉपिंग करने के लिए बहुत कम जाया करूंगी ये रेजोल्यूशन औरतें कभी पूरा नहीं कर सकती तो फिर तय रहा जो भी रेजोल्यूशन तोड़ेगा उसके खैर नहीं चलो गाइस अब डिनर कर लेते हैं हाँ ग्रैनी चलो बिटवा को किडनैप करने के पिछले मेरे कई सारे अटेम्प्ट्स फेल रहे जिसके कारण मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स हासिल नहीं कर पाया लेकिन इस बार मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है ग्रैनी से प्रॉपर्टी के पेपर हासिल कर वहाँ पर आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने का डोंट वरी सर इस बार आप वो प्रॉपर्टी हासिल कर ही रहेंगे रोबोट टाइम आ गया है चिट्टी को एक्टिवेट करने का ग्रैनी तुम तो गई ग्रैनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है जल्दी से अपने कमरे में चला जाता हूँ तू कहाँ था अभी तक लेट कैसे हो गया अरे कुछ नहीं वो ना मैं मैच देख रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया मैच का क्या देखना आज का मैच इंडिया ही जीतेगा वैसे भी अगर ओपिनियन है तो मुझे क्यों बता रहे हो अपना ओपिनियन प्रोबो पे दो ना प्रोबो ये क्या है ग्रैनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना ज्ञान बांट सकते हो और तो और प्रॉफिट भी बना सकते हो सिर्फ हाँ या ना में अपना ओपिनियन देकर मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी है क्रिकेट है फाइनेंस है यूट्यूब है यहाँ तक कि मौसम है आपको सिंपली यस या नो पर जवाब देना है और सही होने पे कंफर्म पैसे कमाओ क्या ये ट्रस्टेड ऐप है अरे बिल्कुल ग्रैनी प्रोबो को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल कर बड़े रिवॉर्ड जीत रहे हैं ये तो सही ऐप है लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं अरे ग्रैनी इसको यूज करना बहुत ही आसान है रुको मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ और उस पे अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करना है वो भी दिखाता हूँ इंडिया टू विन दी थर्ड T20 मैच वर्सेस श्रीलंका अरे सोचना क्या इंडिया ही जीतेगा और अगर आप अपने ओपिनियन पर श्योर हो तो आप इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो लेकिन जीतने के बाद रिवॉर्ड्स विड्रॉ कैसे होंगे फंड्स ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत ही आसान है आप गूगल पे पेटीएम कार्ड किसी भी माध्यम से जीते हुए रिवॉर्ड्स को विड्रॉ कर सकते हो ये तो सही ऐप के बारे में बता दिया बिटवा तूने अब मैं अपना ओपिनियन खराब नहीं जाने दूंगी और आप भी जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से प्रोमो डाउनलोड करो और मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेंगे अप टू 25 रुपीज तो डाउनलोड करो प्रोमो करो और कैसे हैं भैया जी All good, मगरू भाई Happy New Year Happy New Year, shame to you, thank you मगरू भाई, कल मैं आपके लिए स्वीट्स लेकर आया था लेकिन आप यहाँ पे थे ही नहीं कहाँ गए थे भैया जी हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच में फायरवर्क्स देखने गया था लेकिन टेंशन मत लीजिए काकी जी हमको आकर स्वीट्स दे गई हैं भैया जी आज भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ क्या बात है मगरू भाई एंजॉय योरसेल्फ चलो मैं चलता हूँ ओके भैया जी सी यू ओके टेक केयर बाय बाय ओह नो देखती हूँ बिटवा अपने रेजोल्यूशन पे कायम है कि नहीं oh, no. ये क्या साल के पहले दिन ये लड़का अपने वादे पे कायम नहीं रहा बिटवा जल्दी इधर आ अरे क्या हुआ ग्रैनी सारा घर सर पे क्यों उठा रखा है तूने बीच रास्ते में सॉक्स और शूज क्यों फेंक रखे हैं चल जल्दी से इन्हें यहाँ से हटा सॉक्स और शूज बिखरे पड़े हैं ये तो आपको भी दिख रहा है तो आप उठाकर साइड में रख दो ना क्या बोला तूने तो रेजोल्यूशन लिया था कि तू नए साल में हमें बिल्कुल तंग नहीं करेगा इतनी जल्दी तोड़ दिया अरे ग्रैनी
रेजोल्यूशन तो होते ही तोड़ने के लिए है। अब इस बुढ़ऊ को ही देख लो। क्या मतलब ग्रैंडपा, देखो क्या हरकतें कर रहे हैं। अरे जल्दबाजी में मैं दरवाजा बंद करना भूल ही गया। बुढ़ऊ कितनी बार कहा है हफ्ते टाइम दरवाजा बंद कर दिया कर, एक बार में समझ नहीं आता तुझे। रुक जा, अभी तुझे सीधा करती हूँ। अरे नहीं जाना। अरे वाह, पार्टी शार्टी कर कर तो मजा ही आ गया, अब जाकर सो जाता हूँ। हाँ तो बरखुरदार, कहाँ से आ रही है सवारी? बेटवा तू अभी तक सोया नहीं? हाँ बुढ़ाऊ मैं उठा हुआ हूँ। क्या बोला, तेरी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी जो हरकत है ना, तू इज्जत के लायक नहीं है बुढ़ाऊ। क्या बोला? इस समय कहाँ से आ रहे हो? वो मेरी फ्रेंड के साथ ना एक मीटिंग थी, बस वहीं पे गया था। ओ तो कहीं वो मीटिंग ये तो नहीं? ये वीडियो तेरे पास कहाँ से आई? ऐसी कई सारी वीडियो है तेरी मेरे पास बुढ़ाओ, बोल अभी के अभी इन वीडियोस को ग्रैनी को दिखाओ। नहीं नहीं, तेरी ग्रैनी को कुछ मत बताना प्लीज। और ग्रैनी मुझसे ये भी पूछ रही थी कि उनकी नोटों की गड्डी कहाँ गई, मुझे तो पता है, उनको बता दूं क्या? नहीं मेरा प्यारा बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना, तू जो बोलेगा मैं वही करूँगा। तो ठीक है फिर, मेरे लिए जकैटो से मस्त पिज्जा बर्गर सब ऑर्डर कर। ठीक है अभी ऑर्डर करता हूँ, लेकिन ये सीक्रेट ही रखना। और जब ऑर्डर आ जाए तो मेरे कमरे में भिजवा देना, वरना आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा छोटे सरकार। बिटवा जल्दी उठ, कब तक सोएगा? अरे क्या हुआ बुढ़िया, सुबह सुबह क्यों उठा रही है? मतलब ग्रैनी क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? बिटवा ट्रेन कब से गंदी पड़ी है, जाकर साफ कर दे। तेरे को कहीं जाने का है क्या? क्या बोला? मतलब पहली फुर्सत में कहीं निकल रही हो? अरे सब क्या बोल रहा है तू? अरे ग्रैनी जब आपको कहीं नहीं जाना है तो ट्रेन को गंदी पड़े रहने दो। चुप कर, मुझे 10 मिनट में ट्रेन एकदम चकाचक चाहिए, वरना। ओह नो। अच्छा अच्छा ठीक है, काय को माथा तपा रहे लिए, अब उनके लिए मस्त नाश्ता रेडी रखो, मैं 10 मिनट में ट्रेन साफ करके आता हूँ। ओके। तो ग्रानी लगता नहीं है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती होगी। अच्छा खाना बना लेती हो? ये बिटवा को क्या हो गया है, बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा है आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कैसी आवाज है, कहाँ से आ रही है? हाँ जानू, मुझे भी कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। पता नहीं ग्रैनी कहाँ से आ रही है, ये सब छोड़ो ना, आप अपने खाने पे ध्यान दो। चुप कर तू, आवाज बढ़ती जा रही है, मैं देख कर आती हूँ। रुको ग्रैनी, अपुन चेक करके आता है। हाँ तू जल्दी देख कर आ। अब तो चिल्लाने का नहीं। अरे तुम कौन हो और तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो। आप उन्हें खास मकसद से आया है। क्या मकसद? जैसे आप उनका वो मकसद पूरा हो जाएगा ना, आप उन तुझे छोड़ देगा, तब तक चुपचाप रहने का। अगर तूने जरा सा भी शोर मचाया ना तो आप उन तेरा टेंटवा दबा देगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुप। अगर अब तेरी थोड़ी सी भी आवाज सुनाई दी ना तो अब उन तेरा गेम बजा डालेगा। अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा, इसने तो मुझे बांध दिया है, अब मैं ग्रैनी को यहाँ कैसे बुलाऊं? अरे इस बुढ़िया ने प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं? अरे रॉड सर अपुन को छोड़ेगा नहीं, कहाँ है पेपर? बिटवा तुम मेरी अलमारी में क्या कर रहा है? अपुन का पेटक मगा रहा है ना, तो अपुन वो बुढ़ाओ मतलब ग्रैंडपा के खट्टे चूरण की गोली ढूंढ रहा था, जब उसको गैस हो जाती है वो खाता है ना, कहाँ है वो? अरे वो तीखी चटपटी होती है ना, तो वो सारी शीशी मैंने साफ कर दी। अरे क्या ग्रहणी तू भी। अरे पेपर्स कहाँ है?
अरे ये यहाँ क्या ढूंढ रहा है? मैंने तो यहाँ पर अपनी प्रोग्राम्स की टिकट छुपाई हैं, कहीं इसके हाथ ना लग जाए। बेटा आ बॉल उड़ाओ। तू अलमारी में क्या ढूंढ रहा है? इसमें मैंने अपना जरूरी सामान रखा है, तू यहाँ से दूर रह। इसके अंदर कोई खजाना छुपा के रखे ला है क्या जो इतना डर रहा है तू? अरे इम्पोर्टेंट कागज खजाने से कम है के? हाँ हाँ अब उनको पता है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ तेरे प्रोग्राम की टिकट्स है। उप्स, प्लीज इसके बारे में तेरी ग्रैनी को कुछ मत बताना। टेंशन नहीं लेने का, आप उन बुढ़िया को कुछ नहीं बताएगा। थैंक यू। हेलो चिट्टी। आप बोलो रोड बॉस। इतने दिन हो गए, तुम्हारे हाथ में प्रॉपर्टी की पेपर्स क्यों नहीं लगे? क्या कर रहे हो तुम वहाँ? सर बुढ़ा बुढ़ी बहुत चालाके हैं, पता नहीं उन्होंने पेपर्स कहाँ छुपा के रखे हैं प्रॉपर्टी के। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिले तो मैं तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा। अरे नहीं नहीं बॉस, ऐसा नहीं करने का, आप उन अपने मिशन में लगा पड़ा है, आप टेंशन मत लो। जल्दी करो, मैं तुम्हें कुछ घंटों की मोहलत दे रहा हूँ, मुझे वो प्रॉपर्टी की पेपर्स जल्द से जल्द मेरे हाथों में चाहिए। ओके ओके बॉस। अरे ये बुढ़ा और बुढ़िया ने पेपर कहाँ छुपा के रखा है? अगर सीधी उंगली से घी निकला तो ठीक, वरना अपन को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बाबू बिटुआ को पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है वो आजकल। अगर मैंने बिटुआ की बुराई की तो कहीं वो मेरी पोल ना खोल दे, मैं क्या करूं? नहीं नहीं जाना, ऐसा नहीं है। जिस तरह का वो बर्ताव कर रहा है मुझे तो शक हो रहा है कि वो हमारा बिटुआ है ही नहीं, क्योंकि बिटुआ हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकता। Oh no! हाँ बुढ़िया तूने बिल्कुल ठीक कहा, अपुन तेरा असली बिटुआ नहीं। Oh no! अरे अरे ये तो क्या कर रहा है बिटुआ, बंदूक नीचे कर, कहीं गलती से चल गई तो? अरे डरो मत जाना, ये तो बच्चों के खेलने वाली नकली बंदूक है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा शक सही निकला, ये हमारा बिटुआ है ही नहीं। क्या करूं, किसको मदद के लिए बुलाऊं? एक काम करता हूं, क्रोब्रो से मदद मांगता हूं, लेकिन उस तक भी अपनी बात कैसे पहुंचाऊं? क्रोब्रो खोलो। थैंक यू क्रोब्रो। ए बुढ़ाऊ, ए बुढ़िया, आप उनको इधर भेजा है? अपना मुंह बंद रखो चिट्टी, मेरा नाम मत लो, जो काम बोला है वही करो। क्या बॉस, नहीं बोलने का है? ओके वह सब छोड़ा, आपन इधर आया है तुम दोनों के प्रॉपर्टी के पेपर लेने के लिए। चुपचाप से बताओ तुम दोनों ने प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ छुपाए ले? पेपर्स? मुझे नहीं पता। ज्यादा शान पट्टी मत करो वरना तुम दोनों की खोपड़िया उड़ा दूंगा, और बिटुआ को भी नहीं छोड़ूंगा, जल्दी बताओ। बिटुआ जल्दी से इसकी बंदूक छीन, इसकी हरकतों से मुझे पहले ही शक हो जाना चाहिए था, पर शुक्र है बिटुआ तू बिल्कुल सही सलामत है। हमारा बिटुआ आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ए छोकरे तू बाहर कैसे आया? जल्दी बता तुझे यहाँ किसने भेजा है, और तू हमारी प्रॉपर्टी के पेपर क्यों लेना चाहता है? तेरी तो रोबोट, कहीं ये चिट्टी मेरी पोल ना खोल दे, जल्दी से इसे बॉम्ब से उड़ा दो वरना मेरी पोल खुल जाएगी और मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ, जल्दी करो। ओके सर। अरे इसमें तो ब्लास्ट हो गया, यानी कि एक रोबोट था। बच गया, नाक में दम करके रखा था इसने। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बिटुआ तूने अपना रेजोल्यूशन पूरा किया हमारी जान बचाकर, और बच्चा लोग तुम भी अपना रेजोल्यूशन जरूर पूरा करना। हैप्पी न्यू ईयर। ग्रैनी इस बार तो तुम बच गई, लेकिन मैं तुमसे अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर ही रहूंगा। मेरे ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।
हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जाने से पहले प्रोबो ऐप को जरूर ट्राई करें और अपने ओपिनियंस को यूज करके रिवॉर्ड्स जीते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड डाउनलोड नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।